नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति पांडे। यहाँ आपको दिखाएंगे हर राज्य की बड़ी और खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और खबरों को शेयर और लाइक अवश्य करें। महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं पर हो रहे शोषण कम होने का नाम नहीं ले रहे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की ताकि पीड़िता अपनी व्यथा नहीं संकोच कर सके। लेकिन बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र की बात अलग है। थाने की पुलिस का कहना है, पहले अपने पति से तलाक लो तब जाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी। सवाल उठता है, थाना क्षेत्र में नया नियम कहां से लागू हो गया? शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म हो गया, फिर गिरफ्तारी तलाक के बाद होगा। बस्ती जनपद के छावनी थाना क्षेत्र के रामगढ़ नारापार निवासी एक युवती ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। उसमें आरोप लगाया कि उसी थाना क्षेत्र के ग्राम सेवरा लाला थाना छावनी ने शादी का झांसा देकर युवती को अपने विश्वास में लेकर काफी दिनों से शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। अपने पत्र में युवती ने कहा, वह असहाय महिला है, दीपक पुत्र दीनानाथ प्रार्थनी का अंतर्गत आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण कर रहा है और प्रार्थनी के बहुत विरोध करने पर उससे शादी कर लेने की बात कहते हैं। युवती अपने पिता के घर रह रही है। दीपक पुत्र दीनानाथ द्वारा उसे डरा धमका कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण किया जा रहा है। युवती असहाय है। प्रार्थनी द्वारा पूर्व में पुलिस के उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, न ही उसे न्याय मिला। सचिन कुमार कशोधन, बस्ती की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? कंचन चौहान। कहाँ की रहने वाली? ग्राम रामगढ़ नारापार। क्या मामला है आपका? सर, हमारा मामला है, एक लड़का था हमारे गांव के बगल का, उसका नाम है दीपक चौहान और सेवरा लाला का रहने वाला है। उससे हमारा पढ़ते समय का दोस्ती था और हमें दोस्ती के संबंध में रखते रखते काफ़ी दिन तक हमारा उसका संबंध चला और हमें अब लास्ट में लाके हमको लावारिस बना दिया। अब वो अपना शादी करने जा रहा है दूसरी लड़की से और हमसे बात भी करता था और हमको खर्चा पानी देता था जो उसको रहता था, काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन खर्चे पानी के लिए थोड़ा बहुत पैसा हमको देता था और शादी करने का झांसा दिया। अब शादी करने से इनकार कर रहा है। नहीं तो जैसे शादी करने का झांसा दिया तो क्या मतलब आपसे संबंध बनाया? हाँ सर, हमसे संबंध बनाया था। इस संबंध में आपने जो है उससे बात नहीं किया कि पहले आप कहे थे कि हम शादी करेंगे, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं किया था बात हमने उससे। अब बात किए थे तो बोले कि हम तुमसे शादी करूंगा और फिर हमें छोड़कर यहाँ से भाग गए। तो इस संबंध में आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया कहीं थाने पे या एमएसपी के यहाँ कहीं कुछ दिया? दिया था सर, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। थाने वाले हमको डांट दबोट कर हमी को डांटते हैं और हमसे सुलहनामा करवा लिया गया था कि इनकी शादी अन्य जगह नहीं होगा, तुम्हीं से होगा इनकी शादी, अन्य जगह अपनी शादी नहीं कर सकते हैं थाने वाले। और गांव के ग्राम सभा के प्रधान और जो सब गए थे थाने पे उसके तरफ से सभी लोगों ने हमारा सुलह समझौता करवाया, हमें डांटा और बोला कि इसकी शादी अन्य जगह हम सब नहीं होने देंगे, तो इसकी शादी तुम्हीं से होगी, ये अपनी शादी अन्य जगह नहीं करेंगे। मगर अब सुलहनामा का कोई महत्व ही नहीं है, थाने वाले करते हैं हमें भगा देते हैं और वो लड़का अब अपनी शादी अन्य जगह करना चाह रहा है। थाने वाले क्या कह रहे हैं? थाने वाले, हम थाने पे जाते हैं, बोलते हैं कि जब लड़का घर पर आएगा तभी तुम्हारा कोई काम होगा, उससे पहले नहीं होगा। और हमने सुना है लड़का कोर्ट मैरिज करके शादी करने वाला है। सर, जब वो अपनी कोर्ट मैरिज कर लेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? थाने वाले भी कोर्ट मैरिज तो नहीं तोड़वा पाएंगे, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? आज आपने किसको एप्लीकेशन दिया? एसपी को।